उद्धव ठाकरे नहीं चाहिए इसके लिए, बिन शर्त नहीं बिना शर्त के भाजपा को किया समर्थन, उद्धव ठाकरे का राज ठाकरे पर तंज। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे ने उड़ाया मजाक, कहा पहले मैं पुनः येल, अब इस्तीफा लेकर घूम घूम कर बोल रहे हैं माला जाओ दयाना खाली वाजले बारा। लोकसभा चुनाव के नतीजे तो झांकी है, विधानसभा चुनाव बाकी है, महाराष्ट्र में मोदी अभी से प्रचार में लगेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, उद्धव ठाकरे का दावा। आज मुंबई के कांदिवली बोरीवली मलाड में सुबह से मूसलाधार बारिश, बारिश के कारण ब्रिज के नीचे जमा हुआ पानी, बारिश के कारण घोड़बंदर रोड पर ट्रैफिक जाम, वाहनों की लंबी कतार लगी। खुद को बाला साहेब की औलाद बोलते हैं और गर्व से कहा हम हिंदू हैं, बोलने में शर्म आती है, एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर हमला। पीएम मोदी के खेमे में असंतोष, एक छोटी सी चूक गिरा सकती है सरकार, राहुल गांधी का दावा। बीजेपी नेता ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, फ्री राशन बंद हो उन्हीं को मिले जिन्होंने पीएम मोदी को वोट किया है, महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय मोर्चा बीजेपी के उपाध्यक्ष अर्जुन गुप्ता ने की मांग। नारायण राणे की बढ़ेगी टेंशन, उद्धव गुट के नेता विनायक राउत की मांग, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट पर फिर से हो चुनाव। मुंबई ठाणे में 21 जून से बारिश बढ़ने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूबीटी सेना नेताओं के संपर्क में एनसीपी नेता छगन भुजबल, सूत्रों के मुताबिक खबर। उल्लासनगर में फ्री बियर नहीं देने पर युवकों का जमकर हंगामा, होटल पर पथराव कर फेंकी बियर की बोतलें, सीसीटीवी कैमरे में वीडियो आया सामने। धीरेन्द्र शास्त्री के सत्संग कार्यक्रम के लिए 3.5 करोड़ रुपए न देने पर एक मध्यस्थ को बागेश्वर धाम संस्था के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ने बेरहमी से पीटा, 12 लोगों के खिलाफ ओशीवारा पुलिस स्टेशन में मामला हुआ दर्ज। अगली वर्धापन दिवस पर शिवसेना का ही होगा मुख्यमंत्री, अंबादास दानवे का बड़ा बयान। ओबीसी आंदोलन गरमाया, बेर में प्रदर्शनकारियों ने हाईवे जाम किया, टायर भी चलाए। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी चालकों को मिलेगा बीमा ग्रेच्युटी का फायदा, मुख्यमंत्री ने इस बात की दी जानकारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की मीटिंग, फडणवीस बोले सहयोगियों के साथ रोडमैप तैयार करेंगे। मुंबई नगर निगम मुख्यालय, कॉलेज और हवाई अड्डे पर बमबारी, अज्ञात व्यक्ति द्वारा फिर धमकी, पुलिस व्यवस्था अलर्ट हुआ। मुंबई में कोस्टल रोड के दक्षिण हिस्से का फुटपाथ खुला, अब पूरे मरीन ड्राइव की सैर कर सकेंगे टूरिस्ट। आइसक्रीम में मिला उंगली का टुकड़ा, मामले में बड़ा खुलासा, पैकिंग के दौरान हुआ था कर्मचारी का एक्सीडेंट, कट गया था उंगली का ऊपरी हिस्सा, उंगली के ब्लड सैंपल जांच करेगी पुलिस। मनोज जारंगे ने लिया विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला, 127 सीटों का सर्वे पूरा। देवेंद्र फडणवीस बने रहेंगे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, बीजेपी ने इस्तीफे के प्रस्ताव को किया खारिज। डीप क्लीन ड्राइव से बदतर हुए हालात, ठाकुर विलेज, सिंह स्टेट और लोखंडवाला बने नशेबाजों के ठिकाने। पुणे में बिजली के तार पर तौलिया लटकाना पड़ा भारी, बिजली के एक झटके से उजड़ गया पूरा परिवार, 3 लोगों की हुई मौत। फ्लाइट में बम की झूठी धमकी देना पड़ा भारी, BCS बोला आरोपी 5 सालों तक नहीं कर सकेंगे प्लेन में सफर। मुस्लिमों के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं, हमारे 12 को लेकर बोला हाईकोर्ट, सोच में डालने वाली है फिल्म।